हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंटरवेंशन एप्लीकेशन क्या होती है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है और किसी मैटर में इंटरविनर की क्या भूमिका होती है, इन सारे क्वेश्चनों को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन क्या होती है। दोस्तों, इंटरवेंशन का हिंदी में मीनिंग हस्तक्षेप होता है, यानी किसी भी वाद में हस्तक्षेप करने के लिए फाइल की गई एप्लीकेशन को इंटरवेंशन एप्लीकेशन कहते हैं। सिविल मामलों में ऑर्डर 1 रूल 8A इंटरवेंशन एप्लीकेशन को अलाउ करता है, यानी आदेश 1 नियम 8A के द्वारा किसी मामले में इंटरवेंशन एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है। दोस्तों, इंटरवेंशन एप्लीकेशन के द्वारा आपको केवल चांस ऑफ हियरिंग का राइट मिलता है, यानी आपको किसी वाद में केवल सुनवाई का मौका दिया जाता है। यह एप्लीकेशन आपको किसी वाद में पक्षकार बनने का राइट नहीं देती है। क्या कहता है ऑर्डर 1 रूल 8A, आइए देखते हैं। ऑर्डर 1 रूल 8A कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट ए पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, यानी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को न्यायालय की कार्रवाई में अपनी राय रखने के लिए कोर्ट की परमिशन देने की शक्ति। आगे देखते हैं, व्हाइल ट्राइंग ए सूट द कोर्ट मे इफ सेटिस्फाइड दैट ए पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स इज इंटरेस्टेड इन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच इज डायरेक्ट and substantially in issue in the suit and that it is necessary in the public interest to allow that person or body of persons to present his or its opinion on that question of law, permit that person or body of persons to present such opinion and to take such part in the proceedings of the suit as the court may specify. Yani jab court ko yaha lagta hai ki कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी ऐसे विधि के प्रश्न में हितबद्ध है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उस मैटर में सुनवाई की परमिशन दे सकता है। इसके बाद लेते हैं अगले क्वेश्चन को, इंटरवेंशन एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, इंटरवेंशन एप्लीकेशन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनका ऐसे वाद में हितबद्ध होता है, तो ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उस वाद में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यानी किसी वाद के कारण अगर किसी व्यक्ति के हितों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति उस वाद में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति कोर्ट को यह सेटिस्फाई करने में सफल रहते हैं कि वे उस मैटर में किस तरह से हितबद्ध हैं, तो फिर कोर्ट ऐसे व्यक्तियों को उस मैटर में अपना पक्ष रखने के लिए परमिट कर सकती है। यह केवल चांस ऑफ हियरिंग का मौका देती है, न कि पक्षकार बनने का। इंटरवेंशन एप्लीकेशन के द्वारा आपको उस मैटर में केवल सुना जा सकता है, आपको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद लेते हैं अगले क्वेश्चन को, किसी वाद में इंटरविनर की क्या भूमिका होती है। तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चनों में यह क्लियर करते हुए आए हैं कि इंटरविनर को केवल उस वाद में सुनवाई का मौका दिया जा सकता है जिस वाद में उसका हितबद्ध हो, यानी इंटरविनर को केवल चांस ऑफ हियरिंग का लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार इंटरविनर ऐसे वाद में अपना पक्ष रख कर कोर्ट को अपने पक्ष से सेटिस्फाइड कर सकता है। कोर्ट सभी पक्षों को सुनकर अपना जजमेंट देती है। दोस्तों, किसी भी केस में नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी ही पक्षकार बन सकते हैं, अन्य नहीं। अगर किसी केस में ऐसे पक्षकार पार्टी बनने से छूट जाते हैं जो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी की डेफिनेशन में आते हैं, तो ऐसे पक्षकार को उस वाद में ऑर्डर 1 रूल 10 की शक्ति का प्रयोग करते हुए इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जिसके द्वारा ऐसे वाद में उनको भी पक्षकार बनाया जा सकता है। इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन पर फिर कभी डिटेल वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे।